See, student, as we know, what are the standard form of linear equation in two variable? Suppose first equation हम ऐसे लिख सकते sir, a one x plus b one y is equals to c one, है ना? These are the variable containing terms. A one, b one, c one are numbers. Any real number. A one, b one, c one. X, a one is actually coefficient of x, b one is coefficient of y. Means these two are variable term जिसमें x और y होता है और only number constant. Now second, x और y तो same रहेगा, सिर्फ a one, b one, c one change होगा. It is a two x plus b two y plus equal to c two. This is equation number first. This is equation number second. Where a one, b one, c one, a two, b two, c two are real number, but a one, b one, a two, b two जिसमें variable होते हैं, they are not equal to zero. ये zero नहीं होना चाहिए, because if this zero, x will be zero. तो x ही remove हो जाएगा. But linear equation in two variable, we want x, we want y. Both the term, both the variable should present. तो यहाँ पे this a one, b one, a two, b two not equal to zero. Okay? Now ये कैसे भी चलेगा, constant term. So on the basis of solution, first of all it is called as consistency of a equation. Equation exist करते हैं या नहीं, exist करते हैं नहीं, exist means consistency of a equation. वो आपको detail में नहीं है अभी, आपको सिर्फ याद रखो students, if आपको यहाँ पे मैं थ्री कंडीशन बताती हूँ. ओके, फर्स्ट, इफ सी को रेशियो ऑफ सी ए वन ए टू बी वन बी टू, ए वन ए टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी वन बी टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई. इफ ए वन अपॉन ए टू मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल है b1 वन अपॉन बी टू, अगेन इक्वल है c1 वन अपॉन सी टू. ऑल थ्री रेशियो, ऑल नंबर का, x के बाजू का नंबर, y के बाजू का नंबर, कॉन्स्टेंट नंबर, अगेन सेम सेकेंड इक्वेशन. अगर इनका रेशियो मीन्स a1 वन अपॉन ए टू इक्वल बी वन अपॉन बी टू इक्वल सी वन अपॉन सी टू, देन वट इज द सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन. अगर इक्वेशन ऐसे फॉर्म में है तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा? सी स्टूडेंट, such type of equation has infinite means many solution. See student, agar aapka given equations in this form hai, kaise form mein hai, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, but what are a1 b1 c1? Pata hai na, a1 a2 coefficient of x, b1 b2 coefficient of y, and c1 c2 constant term. If all three ratio equal hogi, then such equation has many solution. ऐसी equation के बहुत सारे solution होते हैं. तो फिर इसका graph कैसे आएगा student? Graph coincident means और ओवरलैपिंग मीन्स स्टूडेंट, सपोज दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन भी उसी पे आएगी, वन बिलो वन ऑन द अदर, मतलब ओवरलैपिंग और कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक ग्राफ आएगा. वी कांट फाइंड डिफरेंट डिफरेंट लाइंस, वन लाइन उसी के ऊपर सेकेंड लाइन वहीं पे आएगी. सी एस स्टूडेंट, ऐसे भी पॉसिबल होता है. वेन इफ दिस ऑल थ्री रेशियो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ वाई एंड कॉन्स्टेंट, ऑल थ्री आर इक्वल, देन इट हैज मेनी सोल्यूशन एंड ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशंस आर नॉट डिफरेंट लाइन. एक ही लाइन पे एक लाइन आएगी, सेपरेट नहीं होगा, कोइंसिडेंट लाइन और ओवरलैपिंग लाइन्स आएंगी. ओके स्टूडेंट, नाउ सेकेंड कंडीशन, if a1 upon a2
equal b1 upon b2. Means coefficient of x equal to coefficient of b, y, but not equal to c1 upon c2. Lekin wo c1 upon c2 ke equal nahi hai. Then c solution. Equation has what? No solution. Equation ka solution hi nahi aayega. Hum solve hi nahi kar payenge. Fir uska graph kaise aayega fir? Hum draw karenge to. Yes, graph aayega. But the graph of such is aise hoga. Parallel lines aayenge. Matlab wo line intersect karenge hi nahi. आप कितना भी उसको एक्सटेंड करो वो सिर्फ एक्सटेंड होगे. पैरेलल लाइंस है ना, पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. सो ग्राफ ऑफ सच इक्वेशंस इज ए पैरेलल लाइन एंड वी नो पैरेलल लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट. जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो फिर सॉल्यूशन कैसे आएगा. सो सच टाइप ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन. इज दैट क्लियर? फिर आप बोलोगे टीचर जो ये हमने ड्रॉ किया है ये कौन से टाइप में आता है. सी यहाँ पे हमें मिला ना यूनिक सॉल्यूशन मिला ना, तो उसके लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट? सी फॉर दिस केस, इन थर्ड केस, इफ ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, आगे का कुछ भी रहो नो प्रॉब्लम. सिर्फ इतना देखना है ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, देन equation has unique solution. Unique means one, only one. And line graph, yes, aise hoga. Intersect at one point. Graph kya hoga? Intersecting line. Yahan pe overlapping lines, parallel lines and intersecting lines. For example, see आप इसमें चेक कर सकते हैं इसका इक्वेशन क्या था स्टूडेंट. सर इसका ग्राफ का इक्वेशन क्या था? x plus y is equals to 2, sorry 4. And second था 2x minus y. 2x minus y is equals to 2. हमें चेक करना है a1 upon a2. a1 means यहां का कोएफिशिएंट एक्स का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब वन, और नीचे का टू. देखेंगे इक्वल है क्या. इसका कोएफिशिएंट वन, इसका कोएफिशिएंट माइनस वन. आर दिस टू इक्वल? ये दोनों इक्वल है. इसका कोएफिशिएंट वन और अपॉन टू. इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब वन, नीचे सी साइन के साथ माइनस वन. आर दिस टू इक्वल? नो इक्वल. दैट मीन्स इट हैज अ यूनिक सोल्यूशन. वो नहीं था इसलिए उसका यूनिक सॉल्यूशन आ गया. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी एग्जाम लास्ट टू इयर्स बिफोर जब ये क्वेश्चन रिवाइज नहीं हुआ था, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन 10th स्टैंडर्ड. के से वेदर, व्हाट आर द नेचर ऑफ ग्राफ, ग्राफ कैसे होगा, और टेस्ट वेदर द इक्वेशन हैज सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनाइट सॉल्यूशन. कैसे चेक करेंगे आप? इफ ए वन अपॉन ऑल थ्री इक्वल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड कांस्टेंट, देन इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन एंड नेचर ऑफ ग्राफ ओवरलैपिंग लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस. इफ फर्स्ट टू इक्वल बट नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, इसका टू इक्वल है नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, देन नो सॉल्यूशन. पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो कैसे पैरेलल लाइन. Now third, if first is a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then equation has unique solution, only one solution, and nature of graph is intersecting line. Is that clear student? For your, आपके लिए मैंने आपको ये बताया है. Okay? The, but this is very important student. हम पहले ही decide कर सकते हैं या पहले ही हम check कर सकते हैं कि equation कैसे होगी. बट इन योर टेक्स्ट बुक आपको जो भी सॉल्व करना है ऑल आर दिस टाइप यूनिक सॉल्यूशन, जिसका एक ही सॉल्यूशन है. ओके, फॉर योर नॉलेज मैंने आपको ये तीनों कंडीशन दिए हैं कि दिस कंडीशन इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा, नेचर ऑफ ग्राफ ऐसे होगा, दिस ऑल इक्वल मेनी सॉल्यूशन ओवरलैपिंग,
ओनली टू इक्वल, लास्ट का नहीं इक्वल नहीं है. पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन, फर्स्ट टू आर नॉट इक्वल, देन व्हाट, ओनली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके स्टूडेंट, सो इन दिस वे वी कैन प्लॉट द पॉइंट एंड कैलकुलेटिंग. सी पॉइंट आपको यहाँ पे फोर पॉइंट बाय सिलेक्टिंग फोर एक्स अकॉर्डिंग टू दैट करस्पॉन्डिंग फोर वाई, मेक टू टेबल्स फॉर टू डिफरेंट इक्वेशन. सी लेकिन दोनों को एक ही ग्राफ पेपर पे आपको सॉल्व करना है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन, टू लीनियर इक्वेशन कंसिडरिंग एट ए सेम टाइम, एक ही टाइम पे. टू बॉक्स, फर्स्ट मेक द फर्स्ट बॉक्स वन स्ट्रेट लाइन, सेकेंड स्ट्रेट लाइन, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द सॉल्यूशन. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.2. इसमें हम डिटेल में देखेंगे हाउ टू सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड. ओके स्टूडेंट.